हेलो बच्चों, तो वेलकम टू वंस अगेन एससीसी सांवलिया कॉन्सेप्ट क्लासेस फिजिक्स बाय निखिल गर्ग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, आपकी प्लस टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आप पहुंचे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पे, जिसका इंट्रोडक्शन और बेसिक हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े ही अच्छे तरीके से किया। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आपकी छोटी सी डेरिवेशन, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। What is this expression? What do you mean by this topic, electric field due to a point charge? In my previous lecture, I have told you that what do you mean by electric field? Electric field का क्या मतलब होता? Electric field का मतलब होता, electric मतलब charge, field का मतलब एक region, एक area, एक क्षेत्र, एक दायरा उस charge के around। तो एक charge के around का वो दायरा, वो space जिसके अंदर जब हम बाहर से कोई चीज लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक शोक लगता है। वो शोक अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो शोक रिपल्सिव भी हो सकता है। जो चार्ज आप बाहर से लेके आते हो उस बड़े चार्ज के सराउंडिंग में, जो बड़ा चार्ज जितना, जिसने अपने चारों तरफ इतना बड़ा स्पेस बनाया है, उसी को हम एक्चुअली बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो हमें कैसे पता चलेगा कि उस सोर्स चार्ज का जो फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है। फॉर दिस हम क्या करना होता है, हमें एक बाहर से टेस्ट चार्ज लाना होता है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक कूलम का चार्ज लाना होता है, और वो हमें बताएगा कि यहां तक इस बड़े चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इस शेर का इतना बड़ा दायरा है, मैं इसमें नहीं जा सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो रिपल्सिव महसूस करेगा, और नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो अट्रैक्टिव महसूस करेगा। वो देखते हैं कैसे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अपनी कॉपी पेन निकाल के जो मैं बोर्ड पे लिखूं एज इट इज, वो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे। तो लेट स्टार्ट। हाँ, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी लेक्चर होगा उसको बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े केयरफुली सेट करेगा अपने माइंड में, क्योंकि बच्चों इसको हिला डाला तो लाइफ झींगा लाला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने ये चार्ज ले लिया, एक पॉइंट चार्ज। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जिन भी चार्जेस की बात करते हैं वो पॉइंट चार्ज होता है। अगर वो चार्ज बड़ा भी होगा तो भी हम उसको कंसंट्रेट मानेंगे, सपोज मानेंगे कि वो एक पॉइंट चार्ज जैसा ही है, उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड ही है किसके ऊपर, पॉइंट चार्ज के ऊपर। इट इज नॉट वैलिड अपॉन ए चार्ज हैविंग डेफिनेट साइज। ठीक है, तो एक डेफिनेट चार्ज के ऊपर वैलिड नहीं है, इट इज ऑलवेज वैलिड अपॉन पॉइंट चार्ज। ओके, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पर वी टेक ए पॉइंट पी। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि एक सोर्स चार्ज अगर आइसोलेट पड़ा है तो अपने में से हर जगह इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन लाइनों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, आशीर्वाद, जो प्रसाद फैल रहा है वहां तक हमने एक बाउंड्री बना ली। तो इतने बड़े चार्ज का ये जो एरिया है, ये यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं पूछूं कि ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये वाला देख रहे हो, और जो एक वो आपको भी पता है, आपको मैंने एक बात बताई है मेरे पिछले लेक्चर में मैंने, कि एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ करती है, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन्स होती है बच्चों वो रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियस की अलोंग बाहर से अंदर आती है, इनफाइनाइट से आती है और एक पॉइंट पर सिकुड़ जाती है। इसमें एक पॉइंट से निकलती है और इनफाइनाइट की तरफ फैलती है, ऊपर भी नीचे भी हर जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब मैं पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस आर डिस्टेंस पे जैसे जैसे जाओगे, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो मैंने इस सोर्स चार्ज से इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया, और मुझे यहां पर एक्चुअली में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वो भी आज हम सारा काम करेंगे। ठीक है,
मेरा डिस्ट्रिक्ट एरिया भी उठा लेते हैं। तो बच्चों बड़े अच्छे से केयरफुली इस लेक्चर को समझना। इसमें हम दो या तीन टॉपिक आज कवर करेंगे आपका। एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट चार्ज की, फिर हम इसको निकालेंगे स्केलर फॉर्म में, एक बार इसको हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में जिसमें डायरेक्शन का रोल होगा। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला। फिर हम बात करेंगे पिछले लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, जिसका मतलब था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हमें वही टॉपिक दोबारा पढ़ना है जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पिछले लेक्चर में चार्ज के हमने बात करी कि कितने टाइप्स के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो तीन प्रकार के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो उन तीनों की वजह से वापस उस टॉपिक को हम लेके आएंगे इस टॉपिक में, और उसकी वजह से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ओके, तो सबसे पहले छोटा सा टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, और यहां इस चार्ज की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एंड दैट वी हैव टू फाइंड। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमें कैसे पता चलेगा कितना, तो फॉर दिस ये करने के लिए यू विल हैव टू। तो प्यारे बच्चों इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी विल हैव टू ब्रिंग एक छोटा सा नन्ना सा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा टेस्ट चार्ज। जब इसको हम यहां से यहां लेके आएंगे, जो देख रहे हो इस पी पॉइंट पर मैंने ब्लू पेन से मार्कर से इंडिकेट कर दे क्यू नोट मैंने चार्ज रख दिया, जो हमें यह बताएगा कि इस बड़े चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको एक कूलम्स लॉ की फॉर्म यहां बनती हुई नजर आ रही है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर एंड दैट इज अ कूलम्स लॉ। ओके, ये बड़ा चार्ज है, इस बड़े चार्ज ने छोटे से चार्ज पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बताई थी, व्हाट डेफिनेशन आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ कंप्लीट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज विच यू प्लेस एट द पॉइंट पी एट विच यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है, ये जो एफ है बच्चों इसको बोलते हैं हम, अगर आपको पूछ ले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को रख दें तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है, तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक चैप्टर में, जब एक चार्ज मोशन करता मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां कितनी फोर्स लगती है। यहां हमने जो चार्ज रखा वो स्टेटिक और यूनिट भी है इलेक्ट्रोस्टेटिक, तो फोर्स ऑन स्टेटिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन हमारा काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो आप कूलम्स लॉ लगा के इस चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पर लगने वाली फोर्स जो इस दिशा में डायरेक्शन में नजर आ रही है वो निकाल लो। क्या आएगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। यहां तो ये ऊपर तीर लगा रखा है मैंने वेक्टर, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन हमेशा द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है बच्चों, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, जिस दिशा में आपकी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होगा। अब इस फोर्स की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, छोटी सी डेरिवेशन दो नंबर के लिए तीन नंबर के लिए पेपर में आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, एक बार स्केलर फॉर्म में विदाउट वेक्टर नोटेशन और एक बार वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हो। तो पुट द वैल्यू, पुट सेकंड इन फर्स्ट एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट,
that you will have to find in today's topic E 1 by 4 pi epsilon naught. फोर्स की वैल्यू रख रहा हूं बच्चों, ये फोर्स की यहां क्यू नोट बाय आर स्क्वायर क्यू नोट इनटू आर कैप, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज ले मरा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, ई वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू by r square r cap. This is your required result due to point charge. और इसके बारे में दो important conclusion जो है मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इस चीज को write down कर लीजिए अपनी कॉपी में. ये तो हमारा वेक्टर हमें स्केलर फॉर्म में ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिया, बस ये वेक्टर हटा दो, यूनिट वेक्टर हटा दो, क्या आया 1 by 4 pi epsilon नॉट q by r square. तो ये हमारा प्यारा सा रिजल्ट आ गया स्केलर फॉर्म में और ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में. क्या मैं अभी बोला कि अभी इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बात जो है वह मैं लिखवा रहा हूं. आपने देखा ये क्यू नोट से क्यू नोट कट गया. अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज से किसी एक लाइन के अलोंग हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया, ये लाइन यहां भी हो सकती थी, ये लाइन यहां भी रेडियस के अलोंग फैलता है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ हर डायरेक्शन में फैलता है ना बच्चों, ओके. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो इसकी वजह से बना है क्या, या इसकी वजह से तो कैसे बन सकता, नाम से क्लियर है टेस्ट, तो इसकी वजह से बना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं आपको इस फॉर्मूले में कहीं क्यू नोट नजर आ रहा है, टेस्ट चार्ज नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज. जिसने इस फील्ड को बनाया है इट नेवर डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ज, इसका काम है सिर्फ टेस्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो राइट डाउन छोटी सी इंपॉर्टेंट सी और बड़ी बात, ओके. तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है. अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, बोर्ड क्लास के बच्चे, इनको भी पता है कि बोर्ड क्लास की क्या अहमियत है. जितना दमखम इस एक साल में बच्चे इंडिया के लाखों कैंडिडेट्स लगाते हैं उनको ही पता है, इंटेलिजेंट बच्चों को पता है क्यों इस क्लास की इंपोर्टेंट जो है इंपोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए. तो मेरी बात जिनको समझ में आई थी वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आई वो पूरी साल नहीं समझेंगे, ठीक है. तो इंपोर्टेंट कंक्लूजन राइट डाउन कर लीजिए बच्चों. पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज, केवल और केवल एक बड़े चार्ज पर जिसकी वजह से इतना बड़ा ये स्फीयर का दायरा बना है. एंड इट नेवर डिपेंड्स अपॉन, कभी डिपेंड नहीं करता अपॉन टेस्ट चार्ज, ओके, ठीक है. तो ये थी हमारी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, ठीक है. क्या फॉर्मूला आया एक बार और लिख देता हूं, फिर इसका ग्राफ हम पढ़ेंगे. तो बच्चों जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं उसको एज इट इज अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए. ये हमारा स्केलर फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्यू जो सोर्स था क्यू नोट पे डिपेंड नहीं करता है. तो अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ की. तो चलते हैं बच्चों, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो आसमान में भी छेद हो सकता है, ठीक है ना. अगर आप में पैसेंस है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है तो आदमी कुछ भी कर सकता है,
जुनून नहीं, जुनून आदमी को कुछ भी करा सकता। तो बात करते हैं हम ग्राफ की। ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में? ग्राफ निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन आर, कि इस सोर्स चार्ज के, इस सोर्स चार्ज से जैसे जैसे आगे जाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। देन वी विल हैव टू चेक, तो लेट्स चेक व्हाट विल हैपन बिटवीन ई एंड आर, व्हाट बिहेवियर कम्स इन बिटवीन ई एंड आर। ये ई है, ये आर है, ओके। तो एक बात बताओ बच्चों, ठीक है, अभी हम स्केलर फॉर्म में बात कर रहे हैं। इस सोर्स चार्ज के पास नियर इलेक्ट्रिक फिल्मेंट्स की जो संख्या है, जो नंबर है, और इनका जो क्लोजनेस है, नजदीकपन जो है इनमें, वो इसके पास रखे पॉइंट पर ज्यादा है। इसका मतलब सोर्स चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, जो भय है, जो डर है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान के चलो कि आपके पास इस एरिया में एक शेर आ गया, तो शेर का जो भय है, शेर का जो डर है, वो कहां ज्यादा होगा? शेर के पास ज्यादा होगा या शेर से कुछ मीटर जाके दूर जो है वहां ज्यादा होगा? आपको ही पता है कि शेर के जैसे जैसे पास जाएंगे वहां उसका इलाका, वहां उसका आतंक और डर जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसका मतलब यहां पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, यहां इससे कम, यहां और कम, यहां और कम, और कम, और कम, और कम, और कम। तो जैसे जैसे एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड आपको ही पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इंफ्लुएंस होता है, एंड व्हेन यू कम्स आउट ऑफ दिस इंफ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज, देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओके। तो और आपको ही पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, फॉर्मूला आया है अभी 1/4πε0qr2, E is inversely proportional to r square, और inversely proportional में ग्राफ एक्सपोनेंशियल आता है। तो विद द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़, जब डिस्टेंस ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, डिस्टेंस और बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और बड़ी कम, और बड़ी कम, और बड़ी कम, ऐसे जाते जाते एक टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इसमें जो आपका क्यू नोट है वो बहुत ही छोटा चार्ज है, टेंस टू जीरो हम मान सकते हैं लिमिट में, क्योंकि आप फॉर्मूला जो पढ़ते हो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो लिमिट जो क्यू नोट है बच्चों वो टेंस टू जीरो, ठीक है। तो छोटा सा चार्ज है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, वैसे हम एक कूलम का मान के चलते हैं डेरिवेशन जब हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोजिशन वैक्टर की, क्रम में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर, ओके। तो देखते हैं बच्चों, देखो क्या, तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर, ड्रा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई और इसको जेड, ओके। यहां से ओरिजिन से आर वन पे एक चार्ज मैंने यहां रख दिया आपका क्यू, और यहां क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज था, ठीक है। और बेसिकली हमें जो डिस्टेंस चेक करनी है वो तो इनके बीच में चेक करनी है ना, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्यू इस क्यू नोट को इधर मारेगा फेंक के, ये फोर्स है, ठीक है। तो हमने इसको बच्चों आर वेक्टर मान लिया, ये आर इधर, ठीक है ना, ओ
और इसको अलग मार्कर से इसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट और इसको हम बोल देते हैं बी पॉइंट। तो ओ ए जो है हमारा, तो जो ओ ए है हमारा वो आपका आर वेक्टर है और ओ बी जो है वो आपका आर नोट है। सिमिलैरिटी बढ़ा रहे हैं, सिमेट्री बढ़ा रहे हैं, क्यू के लिए आर, क्यू नोट के लिए आर नोट। तो ओ बी के लिए आर नोट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इजी हो जाए हमारे लिए, तो हम इसको आर वन मान देते हैं, इसको हम बच्चों आर वन, और इसको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम जो है वो आर मान लेते हैं। तो ये जो चार्ज है इस क्यू नोट को इधर फेंक रहा ना, तो हमें ये डायरेक्शन चाहिए। और आपको पता है कि प्लस वन का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी द टू वेक्टर्स फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी द टू वेक्टर्स इन द सेम सेंस will be added and becomes equal to that third vector which is in the opposite sense. So you can see from this diagram OA and AB, these two vectors are in the same sense and becomes equal to this vector OB which is in the opposite sense of these two. Okay? So OA plus AB is equal to OB. And you have to find AB, the distance between source and test. तो जिसको निकालना है उसको एक साइड, ठीक है ना, आज के टाइम में ये जिसको निकालना हो तो उसको एक साइड कर देते हैं, बाकी टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, ठीक है ना। OB माइनस OA क्या हो गया, OB क्या आपका, OB आपका R नोट है, ठीक है, और A जो OA है वो आपका R1 है और ये आया आपका R वेक्टर। तो हमें पोजिशन वेक्टर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था वो हमें निकालना था। इतना समझ में आ गया है तो राइट डाउन कर लीजिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो R आया हमारे पास R नोट माइनस R1, तो R आया हमारे पास R नोट माइनस R1, और हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी निकाला है आपने वन बाई वेक्टर फॉर्म में, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नोट, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन ओनली, आई हैव टोल्ड यू अभी कुछ देर पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू मी आर कैप, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे वेक्टर, क्योंकि हमें पोजिशन वेक्टर के टर्म में लेके आना है, क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लिख देते हैं यहां आर वेक्टर बाय आर, तो आर की पावर टू आर की पावर वन बेस सेम पावर इट बिकम्स आर क्यू, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ठीक है। अब हम ये पुट करते हैं, अच्छा किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सिंपल बिना किसी तीर के वेक्टर के भी लिख सकते हो, अगर वेक्टर है तो उसके बाहर ये दो डंडे लगा दो मॉडुलस, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन वेक्टर। तो क्या हो गया वन बाई, अब हम इसको पोजिशन वेक्टर की टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है, वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और जो हमारा आर था वो क्या आया था, जो आर था देखो आर वन प्लस में आर इज इक्वल टू में आर नोट, तो आर नोट माइनस आर वन आया था, तो हम लिख सकते हैं इसको आर नोट माइनस R1 का क्यूब इंटू आर वेक्टर आर नोट माइनस आर वन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ
पोजिशन वेक्टर। ओके, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक पॉइंट चार्ज की वजह से, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, दैट वी डिस्कस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चार्ज के लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकाली, वह फोर्स निकाली ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यहां भी अब बहुत सारे चार्ज होंगे, अब उनकी वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें दो टॉपिक कवर करेंगे कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तब तक के लिए सावरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस में बने रहिए, निखिल गर्ग के साथ बने रहिए, और इसी डेडिकेशन के साथ मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिव करते रहिए, ताकि मैं आपके कोर्स को अच्छे से कवर करा सकूं। और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें, कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बताएं कि सर हमने कर लिया है, नहीं किया है तो मुझे बताएं कहां दिक्कत आई, कैसी आई। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इस कॉन्सेप्ट को बना के रखो, क्वेश्चन ट्राई करते रहो, और कुछ जैसी वीडियोज हो जाएंगी फिर हम क्वेश्चन की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।